अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ज़ुमैरा राजपूत। वेलकम टू लर्नर अकेडमी। आज हमारा 32 टॉपिक है अपोजिट साइकोलॉजी पे। आज हमने बात करनी है रिलीजियसिटी पर एंड अल्टरिज्म पर। ये क्या होते हैं? सबसे पहले जो मजहबियत या मजहबी जुनून कह लो ये होता है, और ये हमारा जो है ये प्रो सोशल बिहेवियर होता है। ठीक है, ये जिसको हम कह लेते हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर है, जिसमें हमारा मजहबी जुनून होना ये क्या। तो सबसे पहले हम ये है कि प्रो सोशल बिहेवियर को देख लेते हैं कि ये प्रो सोशल जो बिहेवियर होता है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर को देखा, ये पेशा वराना सलूक होता है, मतलब सोसाइटी में ऐसे लोगों की हेल्प करना, मतलब जो उनके लिए बेनिफिट हो या उनके लिए नेक्स्ट कह लो कि उनका साथ देना किसी मसले में या कुछ करना, उसको प्रो सोशल जो उनका बिहेवियर है वो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर माइट इंक्लूड अ पर्सन डोनेटिंग मनी टू चैरिटी। ठीक है, इवन थाउ ही शी रिसीव नो बेनिफिट फ्रॉम डूइंग सो, स्टॉपिंग अ हेल्प स्टैंडर्ड। मतलब कि ऐसा काम जिससे हमें सुकून मिल रहा होता है दूसरों की हम हेल्प करके, जैसे कि हमारे यहाँ पे NGOs बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कह लो सेंटर्स बने हुए हैं जो ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो के वाकई में डिज़र्व करते हैं, वो ऐसे बिहेवियर को हम नाम देते हैं इसका प्रो सोशल बिहेवियर का। ठीक है, जो मजहबियत है या फिर अल्टरिज्म है, ये भी क्या है, एक तरह की प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसकी जो रिलीजियसिटी की डेफिनेशन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग और बिलीफ। कि हमारा अगर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस होगा, उसकी जो फीलिंग होगी या फिर उस पर बिलीव होंगे, वो हमारा रिलीजन को हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, ये साइकोलॉजी में किस तरह से है, इट कम्प्रीहेंसिव सोशल टर्म यूज टू रेफर टू इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेशन इन नंबर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी डिडक्शन एंड बिलीव डेडिकेशन एंड बिलीफ अनदर टर्म डैट वुड वर्क इक्वली वेल लेट टफ इज लेस ऑफ टू यूज इन। मतलब कि ऐसा कि जैसे तबलीग देना, मतलब अपने रिलीजन्स को आगे इंक्रीज करना, वो इस काम में ये आ जाता है। ठीक है, कि मतलब के इस काम में हम इसको देख सकते हैं, कि इसलिए इसको प्रो सोशल जैसा बिहेवियर कहा गया है। उसके बाद है कि हाउ इज़ रिलीजियसिटी मेयर्ड, व्हाट इज कम्स टू यूज टू सर्वे डाटा टू स्टडी। मोस्ट स्टडी ऑफर अ फ्यू स्टैंडर्ड मेयर सच आ रिलीजियस एफिलिएशन फ्रीकेंसी टू रिलीजियस सर्वे टेंडर्स फ्रीकेंसी ऑफ प्रेयर इंपॉर्टेंस ऑफ एंड बिलीव इन गॉड। ठीक है, अगर बिलीव इन गॉड है या फिर अपने हमें कितना यकीन अपने मज़हब है, तो उससे हम देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्केल भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1999 में। ठीक है, जिसके अंदर 24 आइटम्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर कह लो कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हैं। जो फर्स्ट है अ बिलीफ इन द यूनाइटेड पर्पस ऑफ लाइफ, पे दूसरा फीलिंग ऑफ जॉय, उस पर बनाया गया अ सेंस ऑफ पर्सनल कनेक्शन टू अदर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चंस हैं, और ये लिकर टाइप स्केल है जिसमें हमें वन से लेकर स्ट्रोंगली एग्री, उस पर स्ट्रोंगली डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, ठीक है, इस तरह के आगे ऑप्शंस हैं कि हमने उसको ये करना होता है। और ये क्या है कि ये स्केल यूज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये मुसलमान जो हैं वो इसमें यूज़ जो उनसे हैं वो सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो अल्टरिज्म का है, कि हमने देखना है कि अल्टरिज्म जो उनसे होती है वो क्या होती है, और इसको किस तरह से प्रो सोशल बिहेवियर का नाम दिया गया है। तो हम अल्टरिज्म का बात हो रही थी। अल्टरिज्म क्या है? अल्टरिज्म एक्चुअल में एक सोशल बिहेवियर है हमारा, ये जो भी पॉजिटिव है। तो इसको इसलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी हम डिस्कस करते हैं कि ये भी नेचुरली होता है। ठीक है, कि अपने जो अपनी ज़ात है उसके ऊपर किसी और को तजज़ी देना और बग़ैर किसी फ़ायदे के
कि मतलब कि हम ऐसे नहीं है कि आल्टिज्म कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मुझे उससे कोई लालच है तो मैं इसलिए उसकी हेल्प कर रही हूँ कि मुझे आज मैं हेल्प करती हूँ तो कल उसको मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सोशल बिहेवियर है हमारा, इसको सोशल साइकोलॉजी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आल्टिज्म की डेफिनेशन कर लेते हैं। आल्टिज्म रेफर टू अ मोटिव फॉर हेल्पिंग बिहेवियर डेट इज़ प्राइमरी टू रिलीव अनदर पर्सन डिस्ट्रेस विद अ लिटल और नो नो रिगार्ड फॉर हेल्पर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। ये वो, और इससे क्या होता है कि अल्ट्रिज्म के साथ अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना तो इर्द गिर्द के जो लोग जो मतलब कि इसको एज अ वर्चू ले रहे हैं तो क्या करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ कह लो कि वो उनके अंदर ये मोटिवेशन पैदा होगी कि हम लोग भी ये काम करें, ठीक है, हम लोग भी इस काम को आगे लेके जाएं, या हम लोग अगर ये कर रहा तो मैं भी करूं, तो क्या होगा कि इसके ज़रिए अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो वो वाकई वो लोग जो वाकई इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उन सब की हम हेल्प कर सकते हैं कि अपने ज़ात को चीज़ देने से पहले अगर उनका जो देखा जाए तो उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं थ्रू आल्टरिज्म, ठीक है। ये भाईचारा जिसे कह लो, ये वो वाला चीज़ इसमें जौन सी होती है वो आप जाती, ये नहीं है कि अगर हमने करनी है तो हेल्प भी ऐसी हो कि अगले बंदे को शर्म महसूस ना हो कि वो हाँ ये मेरी हेल्प कर रहा है तो इसके कोई इसको अपने से कोई कह लो कि बेनिफिट मिल रहा है। हमने हेल्प भी ऐसे करनी है कि दूसरे बंदे को पता ना चले, ठीक है। जैसे कि इस्लाम में भी यह है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो इस तरह से मदद करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि इस हाथ से कुछ हुआ है। तो जो सी आल्ट्रिज्म है ये भी ऐसे है कि हमने उस बंदे की इज़्ज़त नफ्स को कायम रखते हुए उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो जो उनसे आल्ट्रिज्म है, जो आज इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आल्ट्रिज्म को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने इसको मेजरिंग करना है, इसका जो स्केल्स हैं वो वाला है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप कर